वैसे तो घूमना फिरना लोगों के शौक में शुमार होता है और यही शौक लोगों को दुनिया के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देता है। घूमने फिरने के शौकीन लोग कहीं भी और किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही टूरिस्ट स्पॉट के बारे में बताने जा रहे हैं जो वैसे तो काफी फेमस है, लेकिन यहाँ जाना आम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इन जगहों पर सिर्फ वो ही लोग जा सकते हैं जिनमें जुनून है। वरना आम लोग तो इस तरह की जगहों पर एंजॉय करने की बजाय बुरा अनुभव लेकर ही घर लौटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कौन सी है वो जगह जहां जाना आम लोगों के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, ऊंचे पहाड़ों के टूरिस्ट स्पॉट पर जाने वाले लोगों को बंजी जंपिंग का शौक होता है। वो हमेशा ऐसे स्पॉट ढूंढते हैं जहां बंजी जंपिंग कर सके, लेकिन चिली में एक स्पॉट ऐसा है जहां हर कोई बंजी जंपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंजी जंपिंग एक धधकते ज्वालामुखी के ऊपर होती है। सुनकर ही डर लग रहा है ना, लेकिन खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है। इस बंजी जंपिंग को हेलीकॉप्टर की मदद से किया जाता है, यानी पहले टूरिस्ट को हेलीकॉप्टर की मदद से धधकते ज्वालामुखी के ऊपर ले जाया जाता है, फिर ज्वालामुखी के बीच में ले जाकर बंजी जंपिंग करवाई जाती है। इस बंजी जंपिंग में धधकते हुए ज्वालामुखी की गर्मी अलग ही महसूस होती है। ये जंपिंग होती है चिली के विलारिका वोल्केनो के ऊपर। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप इस तरह की बंजी जंपिंग करने में इंटरेस्टेड हैं क्या। चलिए अब आपको एक और खतरनाक जगह के बारे में बताते हैं। ये जगह है नॉर्वे में, जिसका नाम है ट्रोलटुंगा। दोस्तों, ये 800 मीटर की एक बुलंद चट्टान है और ये यहाँ का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन 99% टूरिस्ट इस स्पॉट को नीचे से देखकर चले जाते हैं। बचे हुए 1% टूरिस्ट इस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पर चढ़ना काफी खतरनाक है, क्योंकि पहाड़ की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए इस पर किसी तरह के सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाए गए हैं। यानी बिना सेफ्टी के 800 मीटर ऊंची खतरनाक पहाड़ी पर चढ़ना होता है। इस चट्टान की चोटी पर पहुंचने में 10 से 12 घंटों का समय लगता है। 2016 में इस चट्टान से गिरकर एक लड़की की मौत हो चुकी है। उसके बाद से इसके ऊपर सिर्फ ट्रेंड प्रोफेशनल्स को जाने की ही अनुमति दी जाती है। अब अगर दुनिया के खतरनाक अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट की बात हो और उस लिस्ट में चाइना से कुछ ना हो तो अधूरा सा लगता है। तो दोस्तों, चीन का गैप ब्रिज ऑफ चाइना भी दुनिया के खतरनाक टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इसे डेथ ब्रिज ऑफ चाइना भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने चाइना के ग्लास ब्रिजेस तो देखे ही होंगे, मगर चाइना का डेथ ब्रिज उनसे भी ज्यादा डरावना है। इस ब्रिज की ऊंचाई 200 मीटर है। इस ब्रिज पर चलकर लोग अपने डर को मात देते हैं। इस ब्रिज में बीच बीच में गैप है, आपको उन गैप को पार करना होता है। साथ ही खड़े रहने की भी जगह कम ही होती है। वैसे तो सभी को सेफ्टी बेल्ट से बांधा जाता है, इसलिए यहाँ से गिरकर मरने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन गिरकर चोट लगने के कई मामले यहाँ सामने आए हैं। तो आप इस गैप ब्रिज के मजे लेना चाहेंगे क्या? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। ट्रैकिंग तो आप सभी ने की होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची और फेमस चोटी यानी माउंट एवरेस्ट सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है, लेकिन हर साल यहाँ कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की अनुमति मिलती है। उसका कारण तो आप जानते ही हैं। हर साल एवरेस्ट फतह करने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन फिर भी लोगों में इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का गजब का जुनून है। नेपाल सरकार के अनुसार हर साल एवरेस्ट पर फतह करने वाले टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों, इनमें से आप किस टूरिस्ट स्पॉट पर जाने की चाहत रखते हैं? कॉमेंट करके हमें अपनी फेवरेट जगह के बारे में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।